बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी बॉडी पे चर्बी की गांठें होती हैं, जो एक भी हो सकती है और काफी बार बहुत सारी हो जाती हैं, जिन्हें लाइकोमा कहते हैं। और उन्हें डर लग रहा होता है कि क्या ये लाइकोमा कैंसर तो नहीं, और इसे निकलवाना जरूरी है कि नहीं। तो आइए आज हम बात करते हैं लाइकोमा के बारे में डिटेल में, और जानते हैं कि ये क्यों बनते हैं, आप इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या लाइकोमा में कैंसर होने का खतरा है, और किस लाइकोमा को निकलवाना जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे लाइकोमास यानी फैट की या चर्बी की गांठों के बारे में। शरीर में काफी बार कुछ लोगों के एक या फिर अनेक चर्बी की गांठें बन जाती हैं, जिन्हें लाइकोमा कहते हैं। ये ज्यादातर हाथों के ऊपर, बॉडी पे, पेट पे, कमर पे या थाइस पे हो सकती हैं, और कभी कभी ये सर के अंदर या माथे पे भी हो जाती हैं। लाइपोमास जो है वो छूने में बहुत सॉफ्ट और नरम होते हैं, इनमें कोई दर्द नहीं होता। ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि मटर के दाने जितने छोटे, या फिर ये बड़े साइज के भी हो सकते हैं, जैसे एक सेब जितने या फिर पियर जितने साइज के भी हो सकते हैं। ये ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, और अगर आपने हिलाने की कोशिश करें तो ये थोड़ा सा मूव भी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किसी को मल्टीपल लाइपोमास यानी बॉडी में बहुत सारे लाइपोमास क्यों बनते हैं। बॉडी में मल्टीपल लाइपोमास बनने का जो मेन कारण होता है वो जेनेटिक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी मम्मी पापा या रिश्तेदारी में किसी को मल्टीपल लाइपोमास होंगे तभी आपको मल्टीपल लाइपोमास होंगे, बल्कि कुछ कुछ जीन म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से कुछ इंसानों की बॉडी में ऐसा होता है कि उनको मल्टीपल लाइपोमास बनने का रिस्क होता है। पर घबराइए नहीं, मल्टीपल लाइपोमास होना कोई खतरे की बात नहीं है और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिर क्या इन लाइपोमास में कैंसर का खतरा होता है? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर लाइपोमा वाला मरीज आके मुझसे पूछता है। तो लाइपोमास जो है वो एक चर्बी की गांठ है जिसके आसपास एक कैप्सूल होती है, जिसकी वजह से जो फैट सेल्स हैं वो वहीं रहते हैं और बाहर की तरफ नहीं फैलते। तो इसलिए लाइपोमास में कैंसर होने का खतरा ना के बराबर है। पर बहुत ही रेयरली कुछ कुछ लाइपोमास में लाइपोसार्कोमा होने का रिस्क होता है, जो रिस्क 0.1% से भी कम है। और कुछ डेंजर साइंस होते हैं जो अगर हमें किसी लाइपोमा में दिखते हैं तभी हम लाइपोसार्कोमा के लिए फर्दर टेस्ट करते हैं। तो वो डेंजर साइंस क्या है? अगर आपका जो लाइपोमा है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है, या फिर अगर अचानक से उसका साइज बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, या अचानक से आपका लाइपोमा जिसमें पहले कोई दर्द नहीं हो रहा था वो पेनफुल होने लगा है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस में हम लाइपोसार्कोमा रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। पर इन चेंजेस के बावजूद भी ज्यादातर वो बिनाइन ही निकलता है और उसमें कैंसर का कोई खतरा नहीं होता। तो अगर आपको लाइपोमास है तो घबराएं नहीं, उसमें कैंसर का खतरा ना के बराबर है, और सिर्फ कुछ डेंजर साइंस होने पर ही हम उसको आगे टेस्ट करते हैं। एमआरआई करवा के देखा जा सकता है, जिसमें अगर कोई हमें दिखे कि कैप्सूल से बाहर फैट सेल्स निकलते हुए दिख रहे हैं या फिर एटिपिकल चेंजेस हैं, तब हम लाइपोसार्कोमा के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो फिर अगर आपको लाइपोमास हो रहे हैं तो क्या उन्हें निकलवाना चाहिए या आप उन्हें रख सकते हैं? तो लाइपोमा निकलवाने के मोस्ट कॉमन जो कॉजेज होते हैं वो होता है कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट, यानी आपको देखने में जो लाइपोमा है वो अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपके लाइपोमा बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ हाथ लगाने पे पता चल रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब तो उन्हें निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उन्हें ऐसे ही रहने दे सकते हैं। पर अगर आपका लाइपोमा जो है वो दिखाई देता है, जैसे माथे के ऊपर, या कभी कभी फोरआर्म पे बड़ा सा लाइपोमा होता है, सर में बड़ा सा लाइपोमा होता है जो दिखाई देता है और देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उस तरह के लाइपोमास को आप निकलवा सकते हैं। साथ ही कुछ कुछ लाइपोमास कभी कभी सुपरफिशियल नर्व्स के ऊपर प्रेस कर रहे होते हैं या जॉइंट्स के आसपास बन जाते हैं, जिस वजह से उनमें दर्द होने लगता है। तो अगर आपके लाइपोमास पेनफुल है तब भी उन्हें निकलवाना रिकमेंडेड होता है। और अगर आपके लाइपोमास की वजह से कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो रहा है, यानी कि उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, जैसे कुछ लोगों को कभी कभी बैक में स्पाइन के पास एकदम लाइपोमा बन जाता है जिस वजह से उनको उठने बैठने में करवट लेने में दिक्कत होती है, तो इस तरह के लाइपोमास को भी निकलवाना रिकमेंडेड होता है। तो अगर आपके लाइपोमा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आपको दर्द कर रहा है या कुछ भी फंक्शनल प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप लाइपोमा को निकलवा सकते हैं।
वरना हर लाइपोमा निकलवाना जरूरी नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि क्या तरीके हैं जिससे आप लाइपोमा से छुटकारा पा सकते हैं। तो लाइपोमा से छुटकारा पाने के लिए एक तो कोई खाने की दवाई नहीं आती, तो ऐसी कोई खाने की दवाई नहीं है जिसे आप खाएंगे तो आपकी जो फैट या चर्बी की गांठें हैं वो पिघल जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप वजन घटा लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वेट लॉस से आपके लाइपोमा का साइज चेंज होगा। ये सब मिथ्स हैं और एक्सरसाइज, वेट लॉस एंड डाइट से आपके लाइपोमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपना लाइपोमा हटवाना है तो लाइपोमा हटाने के लिए एक तो कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिसके अंदर डीऑक्सीकोलिक एसिड होती है जो लाइपोमा के अंदर की फैट को डिसॉल्व कर सकते हैं और डिसॉल्व करके उसको लाइपोमा को घुलने में मदद करके उसका साइज छोटा कर सकते हैं। जैसे कि किसी के माथे पे लाइपोमा होता है और वो उसको सर्जिकली नहीं निकलवाना चाहता, नहीं तो लाइपोमा निकालने का निशान दिखने लगेगा, तो उस केस में वो इंजेक्शंस लगाना फायदेमंद रहता है जो लाइपोमा की गांठ को डिसॉल्व कर देता है और उसको चर्बी की गांठ को डिसॉल्व करके नाक के बराबर दिखने लगता है। इसके अलावा अगर मल्टीपल लाइपोमास हैं तो उसको निकालने के लिए पहले तो सर्जिकली एक बड़ा चीरा लगाया जाता था और बड़ा चीरा निकाल के पूरी गांठ को निकाल दिया जाता था, पर उसका जो निशान है वो पड़ने का रिस्क ज्यादा होता था, इसलिए अब एक बड़ी इंसिजन की जगह मिनी पंच टेक्निक फॉलो की जाती है जिसमें चाहे लाइपोमा आपका बड़ा क्यों ना हो, बहुत छोटा सा इंसिजन जैसे अराउंड 2-3 या फिर 4 मिलीमीटर का इंसिजन बनाया जाता है और उस छोटे से इंसिजन के थ्रू पूरी कैप्सूल के साथ इंटैक्ट लाइपोमा को निकाल दिया जाता है। इसका फायदा ये है कि स्किन के ऊपर जो है वो बहुत छोटा मिनिमम कट आता है और पूरी चर्बी की गांठ एक बार में कैप्सूल के साथ बाहर आ जाती है, तो लाइपोमा का दोबारा बनने का रिस्क भी ना के बराबर रहता है। इसके अलावा अगर किसी को बहुत सारे बड़े बड़े लाइपोमा हो तो लाइपोसक्शन की भी मदद ली जा सकती है। लाइपोसक्शन जो है वो लाइपोमा के अंदर की गांठ चर्बी को खींच लेता है जिससे वो लाइपोमा का साइज छोटा कर देता है और इससे हम पूरा लाइपोमा कैप्सूल के साथ भी निकाल सकते हैं या लाइपोमा को छोटा करके फिर मिनी पंच टेक्निक से बड़े लाइपोमा को कैप्सूल के साथ बाहर निकाल सकते हैं। तो लाइपोमा को निकालना बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है, जिसमें एक बहुत ही छोटी ओपनिंग से पूरे के पूरे कैप्सूल के साथ फैट की गांठ को निकाल सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको पता चला हो कि लाइपोमा क्यों बनते हैं, आप कैसे उनका इलाज कर सकते हैं और किस तरह के लाइपोमा में आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। धाम।